स्वागत है आप सबका इस क्लास में। हम लोग आज बीएससी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और मैट्रिक्स एलजेब्रा का अच्छा से कंसेप्ट के साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा है। आइए यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन देखा जाए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दिया गया है 3 × cos π/4 + i sin π/4 का होल पावर क्या है, 16 है, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में है यहाँ पे 3 × 4, बी नंबर ऑप्शन है 3 × 16, सी नंबर ऑप्शन है π/4 और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सवाल ये है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ समझेंगे कॉन्सेप्ट एंड मेन पॉइंट्स। ये मेन पॉइंट जो होते हैं ना, उसी से तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सो अच्छा से सारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए यहाँ पे देखा जाए मेन पॉइंट क्या है। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट में सबसे पहले देखिए, नाम तो सुने होंगे आप लोग डी मॉर्गन थ्योरम का। कौन चीज़? डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम का इसके अनुसार क्या होता है यहाँ पे कि cos θ + i sin θ/n होता है। तो ये क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, cos θ + i sin θ। यहाँ पे n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू के लिए भी ये मान्य है। तो यहाँ देखिए अच्छा से यहाँ पे और अच्छा समझिए, ये हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। कुछ और रिजल्ट्स भी इसमें हैं, उसको भी आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि 1 को कैसे लिखेंगे हम लोग, cos0 + i sin0, उसके बाद iota को लिखा जा सकता है cos π/2 + i sin π/2। वैसे ही यहाँ पे -1 को लिखा जा सकता है cos π + i sin π। वैसे ही यहाँ पे क्या है लिखा जा सकता है किसको, तो -iota को क्या चीज़, cos 3π/2 + i sin 3π/2 ऐसे लिखा जा सकता है। सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, इनको काफ़ी ज़रूरत तरीके से, मतलब ज़रूरी है ये जानना, इसलिए अच्छा तरीके से इसको अच्छा से आप लोग सेट कर लीजिएगा, समझ गए ना। आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो 16 है वह 3 × 4 भी हो जाएगा, तो 3 × 16 तो होना ही है। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 16 से गुना करेंगे इसके एंगल में, फिर इसके एंगल में। तो फटाफट ऑब्जेक्टिव बनाइए, कॉस देखिए एक्चुअली ऐसे ना होगा, π/4 × 16, तो ये तो कट जाएगा, 4 रहेगा, तो 4π और उसके बाद +i sin 4π। तो देखिए साइन के जब बात आती है, साइन का जब बात आ जाएगा कभी भी, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई का बात हो, एन पाई की बात हो, तो 0 हो जाएगा ये। और कॉस एन पाई जब यहाँ पे आ गया, मतलब क्या हो गया है, देखिए पहले यहाँ पे
यहाँ पे कॉस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो 2n पाई प्लस थीटा जब मिलता है तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा है कि नहीं है। तो यहाँ समझिए यहाँ पे कॉस क्या है, 4 पाई जो है ना उसको प्लस 0 लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इस तरह से इसका मान हो गया 1, इसका मान 0, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 0 खत्म हो गया, 1 मिला 3 के पावर 16, 3 के पावर 16 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ, इसमें इसके सहारे क्या हुआ, डिमार्वा थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए और दूसरे क्वेश्चन के बेस पर जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसको भी देखा जाए अच्छा से। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन है लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि इफ क्या है यहाँ पे, साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1349 बाई 1350 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट रेडियन, रेडियन बताना है, इन रेडियन, रेडियन बताना है मतलब थीटा बराबर व्हाट, मतलब यहाँ दे देगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 1/10 रेडियन, बी 1/15 रेडियन, सी 1/20 रेडियन, अप्रोक्स में आता है आंसर डी एन टी। चलिए तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ समझेंगे क्या हम लोग, रिमेंबर लिखेंगे, रिमेंबर कुछ बातें हैं उसको समझा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए रिमेंबर, यहाँ पे बात समझिए, फर्स्ट बात देखिए, याद रखिएगा एक्सपेंशन पूछेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस थीटा के पावर 5/5 फैक्टोरियल, माइनस थीटा के पावर 7/7 का फैक्टोरियल है ना, प्लस एंड सो ऑन ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स रहेगा तो क्या हुआ थीटा एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स के पावर 5/5 फैक्टोरियल, एक्स के पावर 7/7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। चलिए दूसरा चीज़ देखिए, कॉस थीटा बराबर 1 θ² / 2 φ प्लस थीटा के पावर 4/4 फैक्टोरियल, माइनस थीटा के पावर 6/6 फैक्टोरियल, है ना। आपको पता है ना कि अगर यहाँ पे लिखा गया 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5×4×3×2×1, आपको पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल की जब बात होती है तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसे करते करते हम लोग लास्ट में 1 तक जाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही एक और केस आपको मिलेगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यू बाई क्या चीज 3 + 2/15 थीटा के पावर 5 + 17/315 थीटा के पावर 7 + एंड सो ऑन। तो ऐसे एक्सपेंशन जो है ना ज़रूरी है, इसी एक्सपेंशन का यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए तो थोड़ा सा आप अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो बने में करेंगे। यहाँ देखिए हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे फटाफट देखिए, साइन थीटा बाई थीटा है, मतलब सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे कि मतलब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 1/θ, साइन थीटा का मान कितना, इतना सबना है तो थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, देखिए उसके बाद प्लस थीटा के पावर 5, ये सब जो है ना, सुनिए ध्यान से बढ़िया से, ये सब जो है ना बड़ा वैल्यू छोड़ देते हैं, लोएस्ट वैल्यू लेते हैं, आगे तो काफ़ी बड़ा ना हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे तक भी ऐसे ही जाता रहेगा, मतलब ऐसे ही जाता रहेगा, लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये किसके बराबर दिया गया, ये दिया गया है किसके बराबर, तो
1300, थोड़ा डॉट डॉट कर दीजिएगा, 1349 बाई 1350, इसके बराबर दिया गया है। तो अब सिंपल तरीका से थोड़ा अप्लाई कीजिएगा, क्या थीटा से थीटा कट जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, बड़ा वाला पावर इग्नोर कहते हैं, काफ़ी मैंने बड़ा पावर है वो, बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ देखिए 1349 बट्टा 1350, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा ना, जाके ये घट जाएगा उधर, ठीक है ना, चाहिए मतलब घटना ही है, 1 माइनस अगर 1349 बट्टा 1350 कर दे अगर हम, 1350 कर दे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई 6। ज़रा सा इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो क्या हो रहा है देखते हैं, 1350 में 1349, 1 बट्टा 1350 बराबर थीटा स्क्वायर बाई 6। देखिए तो कट रहा है क्या, कितना बार में कटेगा बोलिए, ये कट जाएगा आपको 6 से, तो लगभग आप कटाएंगे ना इसको, लगभग मतलब कि 225 गुने 6 कितना होता है, 25 6 150, 2 6 12 225 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई 15। देखिए मतलब सिंपल बात क्या है, थीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 बटा 225 आया, तो थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 15 कितना होता है, 225 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये तो क्वेश्चन हो ही गया, साथ में ये काफ़ी ज़रूरी है, एक्स लगा कर दे सकता है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है उसका भी वेट कर लीजिए और देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताना तो बहाना होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाना होता है ना, चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने का प्रयास करें। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में क्या दे रहा है, दे रहा है ऑप्शन ए में ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। सी दे रहा है ई के पावर आयोटा थीटा, और डी में नन लिख के आगे बढ़ गया। चलिए तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए, बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहला बात कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, याद रखिएगा 1 + x + x² / 2 + x³/3 + (x^n)/n). ऐसे मतलब कि इस तरह से हम लोग यहाँ तक लिख के भी डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बात यह याद रखिएगा। दूसरी बात ये है, समझे ना बात, बढ़िया से याद रखिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम लोग ई के पावर आयोटा थीटा की बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, तो ये जो होता है, ये मतलब ये जो आता है आपका, ये एक इसके बराबर आता है, ये आता है 1 - θ² / 2 + θ⁴/4 है ना, यहाँ पे समझ रहे हैं बढ़िया से बात को, सॉरी मतलब ये भी तो आ जाएगा आपको क्या चीज़, ये भी तो आ जाएगा cos थीटा ही ना, ये आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका क्या, तो ये आपका e के पावर आयोटा थीटा जो होता है, ये इसको हम लोग जब इस पे इसमें रख के एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये लोग फॉर्मूला के नाम से जानते हैं इसे। वैसे ही अगर e के पावर माइनस आयोटा थीटा करेंगे तो हो जाएगा क्या, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। अब देखिए हमको चाहिए क्या चीज़, cos चाहिए, cos चाहिए, तो मतलब दोनों को ऐड करने के लिए कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ऐड हो जाएगा, cos का मान क्या होगा, 2 cos बराबर दोनों का ऐड, तो रिजल्ट जो निकलना वाला है उसे याद रखिएगा, e के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर प्लस ई के पावर आयोटा थीटा, ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, ये cos का मान हो गया। वैसे ही डेफिनेटली अगर sin का मान निकालना चाहें आप लोग, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 iota, ऐसे है ना। तो ये चीज़ माने यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कहलाते हैं ये, ठीक है ना। तो देखिए ये कहलाते हैं, याद रखिएगा, इसलिए बता देना चाहते हैं कि ये
पूछ सकता है कि यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू का क्या मतलब है। यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज लाते हैं। तो अब बताइए, अगर थीटा की जगह पे एक्स रिप्लेस करें तो सब क्या होगा, एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। उसी तरह और भी पॉइंट्स इसमें आते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लॉग बात करें, लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा, किसी कम्प्लेक्स नंबर का लॉग की बात करें तो इसके लिए जो आता है वैल्यू क्या आता है, देखिए ये क्या आता है आपका 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इतना तक आता है, प्लस आयोटा 2n पाई प्लस टेन वर्स बी बाई ए, ये आता है। यहाँ पे n का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आयोटा टेन वर्स बी बाई ए हो जाएगा। तो समझने की बात होनी चाहिए आपको कि ऐसे भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी रिजल्ट है सब, उसको भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़रूरी है। वैसे ही अगर जनरल वैल्यू देखा जाए तो आयोटा के पावर, आयोटा का जनरल वैल्यू जो आता है वो आता है -4n। इसको प्रूव करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है हमको, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जैसे हम लोग n का मान 1 रखते हैं तो सिंपली इसका वैल्यू हो जाता है आयोटा के पावर आयोटा इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्या, e के पावर में सब होता है, तो e के पावर क्या हो जाएगा, e के पावर -π/2, क्योंकि n जैसे रखा हमने 0 हो गया तो -1 × π/2, तो ये क्या होगा आपका, e के पावर -π/2। तो ऐसे हम लोग इस मान समझ में, मान को समझना काफ़ी ज़रूरी है, और समझ कर आप लोग आके आगे लिखिएगा, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये सब चीज़ समझ गए, आगे भी देखिए आगे भी क्या बता रहे हैं उसको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या वैल्यू होता है। चार ऑप्शन हमारे पास है, कोई भी सही हो सकता है, बट जानने से पहले समझते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। तो लिखेंगे रिमेंबर, यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ बातें समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहला बात यह है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। दूसरा, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। तीसरा होता है, देखिए टेन, देखिए इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ये नंबर ऑप्शन सही होगा, लेकिन और बात सीखिए, अभी तो पूछ सकता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स साइन बटा कॉस, है ना। चौथा देखिए, चौथा आएगा कॉट, जब करेंगे कॉट हाइपरबोलिक एक्स इसी को पलट देंगे, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। तो एक दो तीन चार, चार हमारे पास क्या है, ये टॉपिक है, चार कंटेंट मिले आपको, इसमें से एक आपको यहाँ पे दिया गया है, और भी कुछ बातें हैं समझने का प्रयास कीजिए। वैसे ही कुछ और रिजल्ट्स में आ जाएगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, हाइपरबोलिक फंक्शन में सब होता है, तो कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, सेक एच स्क्वायर एक्स प्लस टेन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एच स्क्वायर एक्स बराबर वन। तो इस तरीके से हम लोग, मतलब कि यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है कि निगलेक्ट कर दिए, और इसके सहारे जो आपको वैल्यू मिला ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी कुछ उसको समझाते हैं आपको, आइए यहाँ पे देखिए अच्छा से, घबराने की हो सकता है आपको, नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए देखा जाए, तो कुछ पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जैसे टेन वर्स वन बाई टू प्लस टेन वर्स वन बाई थ्री अगर इक्वल टू पाई बाई फोर दिया है, तो इस टाइप के सीरीज को यूलर सीरीज बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही देखिए, वैसे ही पाई बाई फोर के लिए एक सीरीज वाला मान मिलता है, वन माइनस वन बाई थ्री, वन प्लस वन बाई फाइव
ऐसे मिलता है, ठीक है। तो सुनिए, तो इसे याद रखिएगा, ग्रेगोरीज सीरीज मिलता है एक प्रकार का, ग्रेगोरीज सीरीज, इसमें थीटा इक्वल टू टेन थीटा, 1/3 टेन क्यू थीटा ऐसे मिलता है। इसको हम लोग टेन बस एक्स के रूप में भी कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है ना, वो माइनस पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई फोर के बीच होने चाहिए। तो इस बात को अच्छा से आपको काफ़ी अच्छा से याद रखने को सकता है, ठीक है। चलिए, थीटा का मान कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर तक, राइट। चलिए कुछ और बातें भी यहाँ पे सीख लेते हैं। रिमेंबर, याद रखना है, याद रखने के क्रम में ही कुछ और पॉइंट्स से उसको भी हम बताना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अंतिम पॉइंट समझिए आज क्लास का, कि साइन का एंगल जो है, देखिए अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद क्या है, अल्फा प्लस टू बीटा, ऐसे करके एपी में एंगल दिख रहा है। एंगल किस में है, एंगल किस में है, एंगल एपी में है, ठीक है ना। तो सबका सम जो होगा उसके लिए फार्मूला मिलता है, एस बराबर ये फार्मूला, वैसे ही कॉस के लिए ये फार्मूला मिलता है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट आराम से जाकर इस सारे फार्मूला को अच्छा से देखिए, बनाइए, और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सबका धन्यवाद।